20 किलो हमारा होता है, 18 किलो क्यों देते हैं? 18 कहाँ देते हैं? कितने झूठ बोलते हो? कितने झूठ बोलते हो? चलो अब हम चलते हैं, अब मैं चलता हूं। हम कौन है? शराब को भगवान इसके लिए देख के खुशी का मांगते हैं, देते हो तो देते हैं, नहीं देते तो खुशी का मतलब, खुशी का मतलब क्या होता है? खुशी का मतलब 48 से 56 ले लीजिए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नगरा ब्लॉक में भीमपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोठेदार कर रहा है दबंगई। नगरा ब्लॉक में भीमपुरा थाना क्षेत्र में कोठेदार दबंगई कर रहा है। आपको बताएं कि सुबह जब ग्रामीण कोठेदार की दुकान पर राशन लेने पहुंचे, तभी ग्राम सभा बीबीपुर के सुधीर कुमार राशन ले रहे थे और कोठेदार द्वारा राशन खराब देने पर सुधीर कुमार ने उनसे पूछा, आप ऐसा राशन क्यों दे रहे हैं? तभी इतना सुनते ही कोठेदार भड़क गए और जब उनके इस कारनामे का वीडियो बनाया गया, उस पर कोठेदार ने दबंगई दिखाना शुरू कर दिया। कोठेदार का कहना है कि मीडिया कर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बहुत देखे हैं ऐसे लोग, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वहीं जब ग्रामीणों से पूछा गया तो ग्रामीणों ने बताया कि कोठेदार मूल्य रेट से अधिक दाम लेता भी है और उससे भी 10 किलो के वजन में 8 किलो देता है, जैसा कि एक यूनिट पर 1 किलो काटता है। लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि जब से कोटा आया है इस गांव में, तभी से ये कोठेदार है, कई बार निलंबित भी हो चुका है, फिर भी पैसे के बल पर बहाल हो जाता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कोठेदार दबंगई कर रहा है। आखिर इन लोगों में इतनी हिम्मत आती कहां से है कि गलती करके भी ये लोग ये कह देते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतना घोटाला करने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर नहीं, आगे भी ये लोग गरीब जनता को यूं ही लूटते रहेंगे। इंडियन टीवी न्यूज के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। 56 रुपया आप लिए हैं? हाँ, जब 56 रुपया लिए हैं तो क्यों लिए हैं भाई? उतना नहीं लिया 56 रुपया बंद नहीं तो क्या? अभी 56 रुपया लिए नहीं है? 56 रुपया हम दिए हैं आपको, क्यों लेंगे भाई? अभी नहीं लेंगे भाई, तुम जल्दी नहीं लेंगे, क्यों लिए हैं? क्यों दिए हम बना बिगाना बैठ के उनको गेहूँ का यार हम कहा बना बिगाना हम बना बिगा पूरा पबरी के जाति मान लेना तू पबरी के जाति मान लेना। हम की मत नहीं,